नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 मई, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब बिहार में 15 से 20 साल पुरानी गाड़ियों का सड़कों से होगा सफाया। बिहार में इंटर पास लड़कियों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए मंजूर हुए 400 करोड़ रुपए। इन शहरों के बीच रेलवे चलाएगा समर स्पेशल ट्रेनें। बिहार में बन रहा देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल, होंगे ये फायदे। कोहली के बाद ऐसा करने वाले शिखर धवन बने दूसरे खिलाड़ी। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एम्स ने 600 से अधिक पदों पर निकाली भर्ती। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स के द्वारा ग्रुप ए, बी और सी पदों के कुल 600 से अधिक रिक्तियों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बता दें कि इस भर्ती का नोटिफिकेशन 26 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था, यानी कि नोटिफिकेशन जारी किए जाने के 30 दिनों के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो उम्मीदवार को 10वीं 12वीं डिप्लोमा डिग्री पीजी पीएचडी होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एम्स पटना की वेबसाइट aimspatna.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब बिहार में 15 से 20 साल पुरानी गाड़ियों का सड़कों से होगा सफाया। 15 से 20 साल पुरानी गाड़ियां बिहार के सड़कों पर अब ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगी। बता दें कि 25 जिलों में स्क्रैप सेंटर खोलने का फैसला बिहार राज्य के परिवहन विभाग की तरफ से लिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की मांग 19 मई तक की गई है। बिहार के सड़कों से 1.5 लाख से भी अधिक गाड़ियां स्क्रैप सेंटर के खुलने से बाहर हो जाएंगी। चूंकि अधिक पुरानी गाड़ियों से प्रदूषण भी काफी देखने को मिलता है, ऐसे में जब पुरानी गाड़ियों का सड़कों से सफाया होता है तो वातावरण में प्रदूषण की भी कमी आएगी। परिवहन विभाग की तरफ से इस बात की जानकारी दी यह है कि स्क्रैप पॉलिसी में 15 से 20 साल पुरानी गाड़ियां आएंगी। बिहारी बोतरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे कमाल अहमद रिजवी के बारे में। सैयद कमाल अहमद रिजवी का जन्म आज के दिन 1930 में हुआ था। यह एक पाकिस्तानी टेलीविजन अभिनेता और नाटककार थे। उनका जन्म बिहार ब्रिटिश भारत में हुआ था और उनकी मृत्यु कराची पाकिस्तान में हुई थी। रिजवी ने कॉमेडी श्रृंखला अलिफ नून में लिखा और अभिनय किया और 1989 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड जीता। कमाल अहमद रिजवी को अपने पहले अभिनय के लिए मौका मिला जब प्रसिद्ध पाकिस्तानी अभिनेता जिया मोहद्दीन ने बीबीसी उर्दू सेवा के लिए शेक्सपियर के नाटक जूलियस सीजर का मंचन किया। इसने उन्हें कई थिएटर उद्यम और बाद में टेलीविजन लेने के लिए प्रेरित किया। पाकिस्तान टेलीविजन में अपने शुरुआती दिनों के दौरान कमल रिजवी ने लाहौर के आम लोगों के साथ साक्षात्कार की एक श्रृंखला भी की थी, जिसमें एक पान विक्रेता और एक कॉफी हाउस का वेटर शामिल था। जमीन सर्वे के दौरान लापरवाह कर्मियों की अब होगी छुट्टी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सख्त निर्देश के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा द्वारा बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव द्वारा सर्वे अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे भूमि सर्वे के मामले में अधिकतम 3 सुनवाई कर अपना लिखित फैसला दे दें। अगले चरण में अपनी बात रखने के लिए फैसले से पीड़ित पक्ष स्वतंत्र होगा। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को सरकारी जमीन के मामलों की सुनवाई कर फैसला देने का अधिकार है। वहीं सर्वे में कानूनगो का रहती जमीन को लेकर सुनवाई कर फैसले देने का अधिकार हो। साथ ही बंदोबस्त पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि सर्वे में लापरवाह कर्मियों की पहचान कर उन्हें तत्काल सेवामुक्त किया जाए। जल्दी पूर्णिया गोपालगंज से शुरू होंगी हवाई सेवाएं। अब जल्दी हवाई सेवा बिहार के पूर्णिया और गोपालगंज से भी शुरू हो सकती है। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा उड़ान 5 में राज्य सरकार के तरफ से प्रस्ताव भेजने के बाद इसे शामिल किया गया है। जल्द ही बोली लगाने के लिए एयरलाइंस कंपनियों को शामिल किया गया है। पूर्णिया और गोपालगंज की हवाई सेवा तब शुरू होगी जब एयरलाइंस कंपनियों द्वारा वैध बोली लगाई जाएगी। यह मामला काफी समय से अटका था, लेकिन इस मामले को जोरों शोरों से तब उठाया गया जब नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान यहां आए थे। उन्होंने जल्द ही हवाई सेवा शुरू करने का लोगों का विश्वास दिलाया। यदि पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू हो जाती है तो कोसी, सीमांचल, भागलपुर और मुंगेर प्रमंडलों के साथ साथ पश्चिम बंगाल के पश्चिमी व नेपाल के दक्षिण इलाके में रहने वाले लोगों को आसानी से हवाई सेवा की सुविधा मिल सकेगी। बिहार में इंटर पास लड़कियों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए मंजूर हुए 400 करोड़ रुपए। बिहार में इंटर पास लड़कियों को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत प्रोत्साहन राशि के रूप में 25,000 रुपए दिए जाते हैं। बता दें कि वर्ष 2023-24 में प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए नीतीश सरकार की ओर से 400 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है और साथ ही तत्काल 132 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के नीतीश सरकार के द्वारा यह प्रोत्साहन राशि वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह पर अंकुश लगाने, प्रजनन दर में कमी लाने व बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
बिहार में बन रहा देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल, होंगे ये फायदे। गंगा नदी पर एक्स्ट्रा डोज केबल के सहारे कच्ची दरगाह बिद्दूपुर सिक्स लेन ग्रीनफील्ड पुल का 67 पिलर तैयार हो चुका है। अब बीच बीच में सुपर स्ट्रक्चर यानी गार्डर लॉन्चिंग का काम खासकर राघोपुर साइड में पिलर के तैयार होने से हो रहा है। साथ ही पुल के दोनों तरफ अप्रोच रोड बनाने के काम में भी रफ्तार तेजी किया गया है। बनने वाला यह एक्स्ट्रा डोज केबल पुल देश का सबसे लंबा पुल होगा। बता दें कि 22.76 किलोमीटर तक में इसकी लंबाई है, जहां पुल के दोनों तरफ अप्रोच रोड की लंबाई 13 किलोमीटर तक में और पुल की लंबाई 9.76 किलोमीटर तक में है। इस पुल के बन जाने से दक्षिण बिहार और झारखंड के लोगों को काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि उन्हें उत्तर बिहार आने के लिए पटना आने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में पटना शहर में जाम से निजात और वाहनों का दबाव भी कम होगा। जाने कब शुरू होगा दरभंगा एम्स भवन निर्माण। केंद्र की 3 सदस्यीय टीम के द्वारा बिहार सरकार की ओर से दरभंगा एम्स के लिए दी गई जमीन को पसंद कर लिया गया है। बता दें कि अब टीम के द्वारा अपनी रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी जाएगी। इस सफलता को लेकर जल संसाधन मंत्री संजय झा के द्वारा खुशी व्यक्त करते हुए कहा गया है कि हम आशा करते हैं कि दरभंगा एम्स के निर्माण की दिशा में तेजी से कदम उठाए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जमीन के निरीक्षण को लेकर आए 3 सदस्यीय टीम में दिल्ली एम्स के अधीक्षण अभियंता, पटना एम्स के अधीक्षण अभियंता के साथ डीएमसीएच के नोडल अधिकारी डॉक्टर ओपी गिरीश शामिल थे। वहीं अब उम्मीद की जा रही है कि अब बहुत जल्द ही दरभंगा एम्स का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बिहार में शिक्षकों के लिए 18 जून को होगी दक्षता परीक्षा। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक नियमावली के अनुसार नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों को दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जिस वजह से राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना के द्वारा शिक्षकों के लिए 5वीं बार प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि पहली परीक्षा 23 अप्रैल 2023 को आयोजित होने वाली थी, जिसकी तारीख को अब बदलकर 18 जून कर दिया गया है। बता दें कि वैसे शिक्षक जिन्होंने पहले अपना आवेदन नहीं किया था, वे 4 मई से 9 मई के बीच अपना ऑनलाइन आवेदन SCERT पटना के वेबसाइट पर जाकर करवा सकते हैं। वहीं आवेदन किए जाने के बाद शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उक्त आवेदन का प्रिंट निकालकर 4 मई से 10 मई के बीच वेरिफिकेशन किया जाएगा और वेरिफिकेशन पूरी होने के बाद शिक्षक अभ्यर्थी के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे जय मंगलागढ़ मंदिर के बारे में। जय मंगलागढ़ मंदिर बेगूसराय का एक प्रसिद्ध स्थल है। यह मंदिर एक धार्मिक स्थल है। यह मंदिर बेगूसराय से करीब 22 किलोमीटर दूर मंझौल के पास जय मंगलापुर गांव में स्थित है। आप यहां पर घूमने के लिए आ सकते हैं, आपको यहां पर आकर अच्छा लगेगा। यह मंदिर कंवर झील के पास में स्थित है। यहां पर आपको कंवर झील का सुंदर दृश्य देखने के लिए मिलता है। मंदिर के चारों तरफ का दृश्य प्राकृतिक है। मंदिर में आपको जय मंगला देवी जी की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। माता की प्रतिमा बहुत सुंदर है। जय मंगलागढ़ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि मंदिर में विराजमान देवी की प्रतिमा भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर आकर सभी लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं। यहाँ पर आपको हनुमान जी का मंदिर भी देखने के लिए मिलता है। आप यहाँ पर आकर अपना बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। इन शहरों के बीच रेलवे चलाएगा समर स्पेशल ट्रेनें। रेलवे द्वारा समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है, ताकि गर्मी की छुट्टियों में घर लौट रहे लोगों को रेलवे की सुविधा और भी आसानी से मिल सके। बता दें कि रेलवे द्वारा संचालित होने वाली ये समर स्पेशल ट्रेनें बिहार की राजधानी पटना से दिल्ली, पुणे, मालदा टाउन जैसे और भी अन्य शहरों के बीच चलाई जाएंगी। बता दें कि 2 मई से 27 जून तक एसी स्पेशल ट्रेन पटना और दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल रेलवे के बीच चलेंगी। ठीक ऐसे ही 30 अप्रैल से 21 मई तक पुणे और दानापुर के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। बिहार के मौसम में हुआ बड़ा बदलाव। कुछ दिनों से पटना समेत पूरा प्रदेश गर्म पश्चिमी हवा की चपेट में है, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से प्रदेश सहित राजधानी का मौसम सुहावना बना हुआ है। बता दें कि मौसम विभाग की ओर से बिहार के सभी जिलों के लिए पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में 2 मई तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं कुछ हिस्सों में ठनका गिरने के भी आसार है, इसे लेकर लोगों को सतर्क किया गया है। बता दें कि इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश के आसार है। इस दौरान दिन का तापमान 38 से 32 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिलेगी। पटना में बदला स्कूलों का समय। राजधानी पटना में मौसम का मिजाज बदल चुका है, जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। बता दें कि राजधानी के मौसम में सुधार को देखते हुए एक बार फिर से तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि अब स्कूल खत्म होने का समय 10:45 की जगह 11:30 कर दिया गया है, यानी कि अब 11 बजे तक सभी बच्चों की छुट्टी कर दी जाएगी। बता दें कि स्कूलों के समय में यह बदलाव पटना जिला प्रशासन के द्वारा मौसम को देखते हुए किया गया है।
पुलिस ने शराब की बड़ी खेप की बरामद। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन तस्करों की गिरफ्तारी की जाती है और साथ ही शराब की बड़ी खेप बरामद किए जाते हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार के गया जिले के खिजरसराय थाना के सर्वदा ओपी क्षेत्र का और मुजफ्फरपुर के गाय घाट का है, जहाँ पुलिस के द्वारा गया में विदेशी शराब से भरी एक ट्रक को जब्त किया गया है, जिसमें पुलिस के हाथों 290 कार्टून विदेशी शराब लगे हैं। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही ट्रक चालक भागने में सफल रहा और उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। बता दें कि इस मामले को लेकर SDPO कमलेश कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चालक के भागने के बाद पुलिस के द्वारा ट्रक को चक्कर ओपी ले आया है। फिलहाल पुलिस वाहन के नंबर और कागजात से वाहन मालिक और चालक की पहचान कर अग्रिम कार्यवाही में जुटी हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर में पुलिस के द्वारा 4 शराब तस्करों की गिरफ्तारी भी की गई है और साथ ही विदेशी शराब की खेप भी बरामद की गई है। सिक्स लेन पुल निर्माण में देरी पर CM ने जताया अफसोस। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी पर बन रहे कच्ची दरगाह से बिद्दुपुर सिक्स लेन पुल निर्माण का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान पुल के निर्माण की धीमी गति को देख CM नीतीश के द्वारा नाराजगी जताते हुए उस पुल के निर्माण कार्य में लगे एजेंसी व विभागीय अधिकारी को काम जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह चाहते हैं कि इस काम को इसी साल पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर इस साल काम पूरा नहीं हो पाता है तो अगले साल के शुरुआत में काम खत्म कर पुल चालू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीच में कोरोना के कारण 2 साल की देरी हो गई, वह अलग चीज है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मन की बात में PM मोदी ने की बिहार के प्रमोद बैठा की चर्चा। बीते दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड था। इस दौरान PM मोदी के द्वारा बिहार समेत देश के उन सभी लोगों का जिक्र किया गया जिन्होंने समाज के एक बड़े तबके को प्रेरित करने का काम किया था। बता दें कि इस क्रम में PM मोदी ने बेतिया के मझौलिया निवासी प्रमोद बैठक का भी जिक्र किया जिन्होंने आत्मनिर्भरता का उदाहरण पेश करते हुए मजदूर से उद्यमी बन गए। वहीं इस पर उद्यमी प्रमोद बैठक का कहना है कि उनके मेहनत और काम के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को बताया, जिससे हम लोग काफी खुश है। उन्होंने बताया कि आज भी उनके कारोबार आगे बढ़ते जा रहा है। लुधियाना में बिहार के 5 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री ने किया शोक प्रकट। पंजाब के लुधियाना के ग्यासपुरा में जहरीली गैस लीक से हुई मौत की घटना को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बेहद दुखद बताया गया है। बता दें कि इस हादसे में बिहार के गया जिले के रहने वाले एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई है, जिस पर CM नीतीश के द्वारा गहरी संवेदना व्यक्त की गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए अनुग्रह के रूप में देने की घोषणा की गई है और साथ ही स्थानीय आयुक्त नई दिल्ली को निर्देश देते हुए कहा गया है पंजाब सरकार से आवश्यक समन्वय स्थापित कर मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके घर तक लाने की समुचित व्यवस्था निश्चित की जाए, जिसके बाद श्रम संसाधन विभाग के द्वारा मृतकों के शरीर को गया लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आनंद मोहन के परिवार ने मीडिया से बनाई दूरी। जब से आनंद मोहन की रिहाई हुई है तब से लगातार उनकी रिहाई के खिलाफ एक नई कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। बता दें कि आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ जी कृष्णैया की पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। वहीं पटना हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर हो चुकी है। ऐसे में आनंद मोहन के परिवार वालों ने मीडिया से दूरी बना ली है और पिछले 2 दिनों से इस बात की मीडिया को जानकारी नहीं है कि आनंद मोहन का परिवार कहां है। इसके साथ ही उस वेन्यू को भी बदल दिया गया है जहां आनंद मोहन के बेटे की शादी होने वाली थी। हालांकि इसको लेकर आनंद मोहन से के परिवार से जुड़े लोगों का कहना है कि मीडिया ट्रायल के कारण चेतन आनंद की शादी का वेन्यू बदला गया है। सुशील मोदी ने अफसरों के संगठनों को ललकारा। बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार की राजनीति में सरगर्मी बढ़ती जा रही है। बता दें कि इस मामले को लेकर एक बार फिर से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के द्वारा उनकी रिहाई को लेकर बिहार प्रशासनिक सेवा संघ और IAS एसोसिएशन की राज्य इकाई को ललकारने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि कृष्णैया हत्याकांड के दोषी की रिहाई पर अफसरों के संगठन ने विरोध करना तो दूर, सरकार के डर से एक निंदा प्रस्ताव तक पारित नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्ति याद करते हुए कहा कि जो तथस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को यदि आम लोगों से अलग और अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने वाले नियम कानून हैं तो इसलिए क्योंकि वह निर्बाध ढंग से और निडर होकर अपने कर्तव्य का पालन कर सके। नालंदा से चुनाव लड़ने को लेकर CM नीतीश का जवाब। बीते दिन नालंदा से JDU सांसद कौशलेंद्र कुमार के द्वारा कहा गया था कि अगर CM नीतीश नालंदा से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वह अपनी सीट को छोड़ने के लिए तैयार है। वहीं उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारे में सरगर्मी बढ़ गई है। बता दें कि जब से इस मुद्दे को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मीडिया कर्मियों के द्वारा सवाल पूछा गया तो वह सबसे पहले आगे बढ़े और फिर पीछे मुड़कर हंसते हुए कहते हैं, ये सब हमको क्या करना है, इस पर काहे अभी चिंता करते हैं। बता दें कि यह कहकर मुख्यमंत्री आगे बढ़ गए।
जीतनराम मांझी ने एनडीए और महागठबंधन को लेकर कही यह बात। बीते दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी बिहार के छपरा में एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि और शिक्षा के संबंध में अपने हमने कहा और आपने सुना मैंने कॉमन स्कूलिंग की बात की थी। एनडीए और महागठबंधन मेरे ऊपर तो नहीं लेकिन जनता के ऊपर जरूर दाना डालने का काम कर रहे हैं। पार्टी कोई भी हो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने कहा कि अगर आप इन सब मुद्दे पर अपनी बात नहीं रखेंगे तो हम तो रखेंगे ही, हम तो इस लाइन पर वोट मांगेंगे। हम कहेंगे कि अगर आप लोग चाहते हैं कि कॉमन स्कूल सिस्टम कल्याणकारी है तो हमको वोट दीजिए। कोहली के बाद ऐसा करने वाले शिखर धवन बने दूसरे खिलाड़ी। बीते दिन चेपॉक स्टेडियम में आईपीएल 2023 के 16वें सीजन का 41वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके की टीम के द्वारा निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए गए, जिसका पीछा करते हुए पंजाब के द्वारा 20 ओवर में 201 रन बनाकर जीत हासिल कर ली गई। बता दें कि इस जीत के साथ ही पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन के द्वारा एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया गया है। दरअसल उन्होंने आईपीएल में अपने 6500 रन पूरे कर लिए हैं। बता दें कि शिखर धवन के द्वारा यह उपलब्धि 212 पारी में हासिल की गई है। हालांकि उनसे पहले यह कारनामा विराट कोहली के द्वारा की जा चुकी है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। प्रफुल्ल चाकी ने 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम देने के बाद खुद को गोली मारी। भारत में सन 1923 में मई दिवस मनाने की शुरुआत में चेन्नई में हुई। इससे पहले भारत के 80 देश ऐसे थे जहां 1 मई को श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता था। महाराष्ट्र को 1960 में राज्य घोषित किया गया था। देश की कोयला खदानों को 1972 में राष्ट्रीयकरण किया गया। जैसे मोहम्मद एवं लश्कर ए तोयबा संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंकवादी संगठन घोषित भारत संयुक्त अमेरिका के विशेष 301 सूची 2001 में शामिल की गई। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 2008 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 7 नए जजों की नियुक्ति की। स्वर्गीय रमेश भाई को श्रद्धांजलि स्वरूप उनके 62वें जन्म दिवस समारोह मजदूर दिवस के अवसर पर सर्वोदय आश्रम टंडियावा में आयोजित समारोह में भारत कोष पर रमेश भाई से संबंधित सामग्री को वैश्विक पाठक वर्ग को 2013 में समर्पित किया गया। भारतीय राजनीतिज्ञ एस एम कृष्णा का जन्म 1932 में हुआ। भारतीय अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का जन्म 1988 में हुआ। आज के दिन को मई दिवस, विश्व श्रमिक दिवस, महाराष्ट्र स्थापना दिवस, गुजरात स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेलकम। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि गवर्नमेंट ज्ञान नामक यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की सभी लड़कियों को सीधे खाते में 1,80,000 रुपये मिलेंगे। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही। व्हाट्सएप ने एंड्रॉयड बीटा पर रिपोर्ट स्टेटस अपडेट फीचर किया रिलीज। मेटा स्वामित्व वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप एक नया फीचर शुरू कर रहा है जो उपयोगकर्ताओं को एंड्रॉयड बीटा पर स्टेटस अपडेट की रिपोर्ट करने की अनुमति देगा। डब्ल्यू ए बीटा इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार बीटा परीक्षकों को स्टेटस विकल्पों के भीतर एक नया रिपोर्ट एक्शन दिखाई देगा। नए फीचर के साथ उपयोगकर्ता किसी भी स्टेटस अपडेट को रिपोर्ट कर सकते हैं जो सेवा की शर्तों का उल्लंघन कर सकता है, जिसे बाद में कंपनी की मॉडरेशन टीम को भेजा जाएगा। साथ ही फीचर सुनिश्चित करता है कि मैसेज, मीडिया लोकेशन, शेयरिंग, कॉल और स्टेटस अपडेट सभी डिवाइस पर एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन द्वारा सुरक्षित हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि एंड्रॉइड के लिए व्हाट्सएप बीटा के लेटेस्ट अपडेट को प्ले स्टोर पर इंस्टॉल करने के बाद कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए स्टेटस अपडेट की रिपोर्ट करने की क्षमता उपलब्ध है और आने वाले दिनों में और अधिक उपयोगकर्ताओं के लिए रिलीज होने की उम्मीद है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है महेंद्र कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, शंकर मुखिया, सदुल्लाह पलवी, अनीश मेहता, अली रेहान, रवि कुमार राम, रविशंकर, विनय कुमार, मंजय कुमार, सीता कुमारी, समर सिंह, दया शंकर प्रसाद सन्हा, रजनीश, अनिल कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अब तक के खेले गए आईपीएल मैच को देखते हुए किस टीम के जीतने की संभावना है? आपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।